काफ़ी लोग हैं हमारे सरकार में जो दिमागी तौर से हैंडीकैप हो बोल सकते हैं उनको। साई बाबा इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट मैन और इसीलिए सरकार उनको अंदर रखना चाहते हैं। इफ़ यू आर अ मुस्लिम इन दिस कंट्री देन इट्स डिफरेंट, इफ़ यू आर अ दलित इज़ डिफरेंट, इफ़ यू आर अ वुमन इज़ डिफरेंट। सारे जो स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट और लॉयर्स हैं उनको जेल में डालने का कोशिश कर रहे हैं। और पहले इससे कुछ साल पहले आप गुजरात के जब मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तब तो वो इतना भी नहीं करते थे कि किसी के कंप्यूटर में चिट्ठी डालो, सीधा एनकाउंटर और बोलते थे कि ये लोग टेररिस्ट है, प्लॉटर। साई बाबा डिसेबल्ड है, 90% डिसेबल्ड है, वो व्हीलचेयर में है और वो कोविड पॉजिटिव है अभी और हम चाहते हैं कि उनको तुरंत रिलीज़ किया जाए। एक ऐसा डिसेबल्ड आदमी को आप जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे तो हर दिन टॉर्चर है, हर दिन उनका कुछ मर रहा है, मतलब हम सबका मर रहा है, लेकिन वो उनका स्पीड अप हो रहा है, वो वापस नहीं आएगा वो फंक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा क्रूर ट्रीटमेंट है। हेलो एंड वेलकम टू द हिंदुस्तान गैजेट। अभी इस वक्त हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं जहां हमारे साथ लेखिका अरुंधति रॉय मौजूद हैं। हम उनसे दो चार क्वेश्चन करेंगे। तो मैम, आज जो ये प्रोग्राम था आप उसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बताएंगी कि किन को लेकर था, क्या ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का? ऑब्जेक्टिव था कि जी एन साई बाबा जो करीब 5 साल से नागपुर जेल में हैं, लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो एक्यूजेशन है वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वायलेंट क्राइम कमिट किया या टेररिज्म किया। वो एक्चुअली ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन हंट जो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के खिलाफ जो अभियान चला रहा था उसके खिलाफ कैंपेन किया, जैसे मैंने किया। और हम साई बाबा डिसेबल्ड है, 90% डिसेबल्ड है, वो व्हीलचेयर में है और वो कोविड पॉजिटिव है अभी और हम चाहते हैं कि उनको तुरंत रिलीज़ किया जाए, उनको मेडिकल बेल पैरोल दिया जाए और उनका ट्रायल स्पीड अप हो जाए। मैम, जैसे कि आपने देखा कि जो प्रोफेसर साई बाबा है वो 90% पोलियो ग्रसित हैं, तो हमारे लोकतंत्र में जो लोग हैंडीकैप हैं उनके लिए कोई विशेष वो नहीं है वहाँ पे जेलों में या उसमें, तो उस पर क्या बोलेंगे? एक तो मैं वो शब्द यूज़ नहीं करती हूँ हैंडीकैप, क्योंकि शायद जैसे कि लोग बोल रहे थे, शायद काफ़ी लोग हैं हमारे सरकार में जो दिमागी तौर से हैंडीकैप हो बोल सकते हैं उनको। साई बाबा इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट मैन और इसीलिए सरकार उनको अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली जैसे साई बाबा अपने लिए फिज़िकली कुछ नहीं कर सकते, उनको हेल्पर्स चाहिए, कोविड के टाइम में हेल्पर्स नहीं है, तो आप यकीन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कैसा स्थिति हो सकता है किसी का। और जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली अगर आप किसी क्राइम में अक्यूज्ड है शायद आपको पुलिस स्टेशन में लेके वो टॉर्चर करेंगे, इंटरोगेट करेंगे, जुडिशियल कस्टडी में नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा डिसेबल्ड आदमी को आप जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे तो हर दिन टॉर्चर है, हर दिन उनका कुछ मर रहा है, मतलब हम सबका मर रहा है, लेकिन वो उनका स्पीड अप हो रहा है, वो वापस नहीं आएगा वो फंक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा क्रूर ट्रीटमेंट है। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे प्रोफेसर साई बाबा को यूपी के गवर्नमेंट में अरेस्ट किया गया, अभी हम देख रहे हैं लास्ट ईयर भी जब सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे और इस बार भी किसान आंदोलन में बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको एक एक करके अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस पर क्या बोलना? अगर आप भीमा कोरेगांव का केस लीजिएगा या सीएए प्रोटेस्ट का लीजिएगा, ये सारा एक ही किस्म का है। जैसे भीमा कोरेगांव में जो रोना विल्सन का कंप्यूटर डिस्क है, अब उसको उसमें मैलवेयर आके उसमें चिट्ठी लगाया गया कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, प्लॉट है। CAA का जो जितने लोग जेल में हैं अभी वही चीज़ चल रहा है, स्ट्रेंज की
मतलब 200 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सा कॉन्स्पिरेसी चल सकता है। तो ये पूरा जो फेक डिजिटल एविडेंस है वो एक ही चीज़ है, और उसको लेके वो सारे जो स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट और लॉयर्स हैं उनको जेल में डालने का कोशिश कर रहे हैं। और पहले, इससे कुछ साल पहले, आप गुजरात के, जब मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, तब तो वो इतना भी नहीं करते थे कि किसी के कंप्यूटर में चिट्ठी डालो, सीधा एनकाउंटर, और बोलते थे कि ये लोग टेररिस्ट है, प्लॉट है, तो सुराबुद्दीन का, इशरत जहां का, कौसर बी का, तो सीधा। इसीलिए मैंने कहा, इफ़ यू आर अ मुस्लिम इन दिस कंट्री देन इट्स डिफरेंट, इफ़ यू आर अ दलित इज़ डिफरेंट, इफ़ यू आर अ वुमन इज़ डिफरेंट।